हमारी पूजनीय लाल किताब के अंदर एक नियम दिया गया है, यदि जन्म कुंडली के अंदर इस प्रकार से पहले भाव में राहु देव बैठे हो, जिसे लगन का भाव कहा जाता है, तो सूर्य कहीं भी बैठा हो उसको ग्रहण जैसे ही फल मिला करते हैं। इसके विपरीत यदि लगन के अंदर पहले भाव में इस प्रकार से केतु बैठा हो तो चंद्रमा कहीं भी बैठे हो चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ होगा। नतीजा इसका यह होता है कि जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण लगा हो तो व्यक्ति का प्रभाव खत्म होने लग जाता है, पिता के सुख कमजोर होने लग जाते हैं, सरकारी अड़चने आने लग जाती हैं, और जब चंद्रमा का ग्रहण योग बना हुआ तो ऐसी परिस्थिति के अंदर घर में फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग नहीं हो पाती, माँ नानी दादी के सुख कमजोर होने लग जाते हैं और घर के अंदर हमेशा डिप्रेशन जैसा माहौल बना रहता है। उपाय क्या करें? सूर्य ग्रहण हो तो गुड़ गेहूं का दान जरूर करें, और चंद्रमा का ग्रहण हो तो चांदी के डब्बे में चावल भरकर माँ से आशीर्वाद स्वरूप में लेकर पास जरूर रखें, देखेंगे आराम जरूर मिलेगा।